सब अनन्य साचे सुविधि सबको हो निज दास सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनास दरस परस अघनास बास निज संग करौ दिन तीन मुख हरि जस सुनत श्रवण मानो न त्रिपति छे। तो श्री सेवक जी महाराज सर्वप्रथम तो कहते हैं कि सतत रसिक जनों का संग करना है, और वो रसिक कैसे हैं, सब अनन्य साचे सुविधि सबको हो निज दास। और कल जहां हमने चर्चा को विराम दिया था कि सतत निरंतर उनका संग क्यों करना है, संसार की किसी कामना या संसार के किसी मनोरथ को लेकर नहीं, कहिए तीन मुख हरि जस सुनत श्रवण मानो न त्रिपति छिन। आपको स्मरण हो कल विराम के क्षणों में मैंने कहा था कि ये जो फल की प्राप्ति है कैसा भी हो, वो फल की प्राप्ति किससे है, किसको होती है फल की प्राप्ति, तो श्री गीता जी में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, करे श्रद्धावान लभते फलम, श्रद्धावान को फल की प्राप्ति होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस उद्देश्य से हम जा रहे हैं संत के निकट, किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से जा रहे हैं, क्या भाव लेकर जा रहे हैं। आपको स्मरण हो कभी पूर्व में मैंने कहा था कि आपका यहां आना, आपका यहां चलकर आना, ये घूमना फिरना भी हो सकता है, और आपका यहां पर आना ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकता है। किसकी किस बात पर निर्भर करता है, क्या क्या लक्ष्य, क्या भाव लेकर चले हैं आप अपने थाल में क्या सजा कर गए हैं, प्रभु को इससे कुछ लेना देना नहीं। आपके हृदय के थाल में कौन सा भाव है, कैसा भाव है, उस भाव में निष्कामता की सुवास आती है या स्वार्थ की दुर्गंध, प्रभु की दृष्टि तो वहां है। इसीलिए कल जब किसी ने प्रश्न किया कि ये जो संशयात्मिका बुद्धि है ये निश्चयात्मिका कैसे हो, सबसे पहले अपना लक्ष्य पवित्र करिए, हमारा लक्ष्य भगवान हो। अभी हम आते आते ही चर्चा कर रहे थे, ऐसे तो जीव अनेक अनेक प्रकार से भगवान की शरण में जाता है, भय से भी जाता है, संसार के कष्ट से व्याकुल होकर पीड़ित होकर भी जीव भगवान की शरण में जाता है, पर ऐसा भी देखा जाता है कि अगर कोई संसार के कष्ट से पीड़ित होकर गया है ना, तो कष्ट दूर हो जाने के बाद कभी कभी भजन भाव शिथिल पड़ जाता है। जब संसार का कष्ट दूर हो जाएगा तो फिर वो भजन भाव शिथिल पड़ जाएगा। इसलिए सर्वोपरि भजन तो यही है कि जो प्रेम से किया जाए, और जब बात प्रेम की आएगी तो प्रेम को प्राप्त करने की तो भाई कोई दूसरी विधि है ही नहीं, प्रेम तो एक ही विधि से प्राप्त होता है। कभी मत सोचना इस विषय में, कभी कोई संशय मन में नहीं आने देना कि प्रेम प्राप्त करने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, ना, प्रेम प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, एक, और वो क्या है, भगवान ने इसको प्रकट प्रत्यक्ष दिखाया अपने लीला काल में। उद्धव जी को जब गोपियों के पास भेजा ना, तो भगवान ने प्रकट प्रत्यक्ष दिखा दिया। भगवान की लीला में अनेक अनेक रहस्य छिपे रहते हैं, इसीलिए तो गत सत्र में हमने चर्चा की थी, कथा को कहना सुनना नहीं है, कहें कथा और अर्थ विचारें, प्रभु ने जो किया क्यों किया। अरे महापुरुष तो प्रभु की लीला का विचार करते करते ही भव सिंधु पार कर जाते हैं कि प्रभु ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया। आप देखो दशम स्कंध पर अनेक अनेक महापुरुषों ने, भक्तों ने कितनी कितनी उत्प्रेक्षाएं की हैं, ठाकुर जी ने माटी खाई तो क्यों खाई, संत विचार ही करते हैं भाई क्यों खाई क्यों खाई, फिर अनेक अनेक सुंदर उसके रहस्य उनके हृदय में प्रकट होते हैं। कथा जो है वो दिव्यार्थ की प्रसव कारिणी है ना, तो प्रभु ने ये लीला क्यों की,
कौन है उद्धव? ब्रह्मज्ञानी। और भगवान कह रहे भाई मुझसे नेक भी कम नहीं है, मुझसे नेक भी कम नहीं है उद्धव, किसी भी बात में कम नहीं है। फिर भगवान ने कहा कि भाई उद्धव के पास ज्ञान है, उद्धव के पास भक्ति भी है। और उद्धव जी की भक्ति कैसी है? प्रसन्ना है। क्यों? क्योंकि उद्धव जी का ज्ञान और वैराग्य हष्ट पुष्ट है। भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, तो फिर भी भगवान कह रहे कुछ कमी है। अब भगवान ने कहा वो कमी हम पूरी नहीं कर सकते हैं। उद्धव जी के पास अगर कमी है तो किस बात की कमी है? फिर प्रेम की कमी है। अब भगवान ने कहा प्रेम हम नहीं दे सकते, तभी तो भेजा गोपियों के पास में। इसलिए मैंने कहा भाई प्रेम प्राप्त करने के अनेक मार्ग नहीं है, प्रेम प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो। देखो जब श्री व्यास जी आए श्री महाप्रभु जी के पास, तो महाप्रभु जी ने अंतिम बात बता दी। आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की ना, परम विश्राम प्रेम है और प्रेम प्रेमी से ही प्राप्त होगा। प्रेम प्रेमी से मिलेगा क्योंकि वो उसी के पास है, वो उसी का निज धन है, वो उसी की संपत्ति है। प्रेम प्रेमी से प्राप्त होगा। तो महाप्रभु जी ने व्यास जी को कोई और मार्ग ना देकर व्यास जी को वही मार्ग बताया जिस पर चलकर परम विश्राम मिल जाए। मैंने तो कल भी आपसे कहा था, परसों भी कहा था, जब से यह प्रकरण आरंभ हुआ है मैं तब से बार बार आपको ये बात कह रहा हूं कि अच्छे से अच्छा करिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करिए। पर वो अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर लेने के बाद भी एक कांटा है जो मन में बना रहेगा, वो कांटा है अहम का। अहम नहीं जाता भाई, जो सूक्ष्म अहंकार है ना जीव का, वो नहीं जाएगा। वो जो कर्तृत्व है, मैं करता हूं, चाहे आप ऐसा ही कहोगे कि मैं प्रभु की कृपा से करता हूं, पर मैं करता हूं, वो जो कर्तृत्व है वो नहीं जाएगा। उसको केवल प्रेम की धारा धो सकती है। निरभिमानता केवल संत की कृपा से आती है बस, और निरभिमान हुए बिना साहेब रीझता नहीं। कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कह रहे साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाई, पर बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी माही। मतलब चाकरी भी कर रहा है पर उसमें थोड़ी चूक भी है। वो चूक क्या है कि मैं करता हूं, वो जो कर्तृत्व है, मैं जो करने का जो अभिमान है। अच्छा ये किसी तीर्थ में जाकर और डुबकी लगाने से नहीं धुलता है, बढ़ता है, धुलता नहीं है। पढ़ लो अनेक अनेक पोथी पढ़ो, वो अभिमान और बढ़ेगा। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान करो कराओ, अभिमान बढ़ जाएगा। ये जो कर्तृत्व का अभिमान है ये बिना संत की कृपा के नहीं जाता भाई। इसीलिए महाराज वाणी में कहते हैं, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण तूर तेरी सेवक मांगे, संत चरण रेणु मंजन नानक पावे सुख अनेक। एह गुण साधन ते नहीं होई। कौन सा गुण? ये जो निरभिमानता है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जब जाने लगे श्री सूरदास जी तो किसी ने कह दिया ना, आपने अपने आचार्य का यश नहीं गाया। सूरदास जी ने कहा ये जो गाया है ये मेरे आचार्य का ही यश है, मैंने कहा कुछ गाया। ये आप देखो, जाने का क्षण है। सूरदास जी जा रहे हैं भगवान के पास जा रहे हैं, प्रभु की नित्य सेवा में सूरदास जी पहुंचने वाले हैं। उससे एक कुछ क्षण पहले सूरदास जी के हृदय से ये उद्गार प्रकट होना आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अंतिम बात कही है ये सूरदास जी ने, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन
सब जग माही अंधेरो। सूरदास जी जब कहते हैं ना, सूर कहा कहे, अरे मैं क्या कहता, मैं क्या कह सकता था। सूरदास जी कह रहे ये जो मैंने कहा है ये मेरे आचार्य का ही तो यश है, मैंने नहीं कहा, ये मेरे आचार्य ने ही मुझसे कहलाया है। सूर तो लेखनी है, लिखने वाला कोई और है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, आप कभी ये ना समझे मैं सुना रहा हूं ना, मैं नहीं सुना रहा भाई, मैं कैसे सुनाऊंगा, मैं कैसे सुना सकता हूं। यंत्र बजता नहीं, यंत्र को कोई बजाता है, यंत्र को बजाने वाला होता है कोई। संगीत यंत्र में नहीं है भाई, संगीत यंत्र में नहीं है। आप अगर यंत्र में संगीत हो, वाद्य यंत्र जो है अगर उसमें संगीत हो तो फिर तो कोई भी हाथ में ले और प्रकट हो जाए ना। वाद्य यंत्र में संगीत नहीं है, संगीत तो संगीतकार की विद्या में है। ये जो कहना सुनना हो रहा है ना, ये आपका मेरा नहीं है, ये कोई और कर रहा है। बस ये विश्वास सुदृढ़ हो जाए, इसका इसका अनुभव हो जाए कि ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग, और बस इस कर्तित्व से मुक्त होते ही बचता क्या है। आज तो आनंद, इस कर्तित्व से मुक्त होते केवल आनंद रह जाता है। जैसे जीव इस कर्तापन से मुक्त होता है ना, पीछे केवल आनंद रह जाता है। इसी आनंद में भर कर कबीर कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम। कान खोल कर सुनो क्या कह रहे हैं कबीर। बोले न माला जपते हैं, न कर जपूं, न किसी और विधि से जपते हैं। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। अरे करने से ही तो मुक्त होना है, कब तक करते रहेंगे। करते ही तो आ रहे हैं, जन्म जन्म से कर ही तो रहे, इसी करने से ही तो मुक्त होना है। ऐसी बात तो व्यास जी ने कही, काहू केवल भजन को काहू को आचार। व्यास भरोसे कुमारी के सोवत पाम पसार, सोवत पाव पसार। ऐसी बात सूर भी कहते हैं, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, और सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। बोले हम तो हार गए भाई, हार, ये जो हारना है ना यही सीखना है। अभी तो हम हार नहीं रहे ना, अभी तो कर रहे हैं, अभी तो हम कर रहे हैं। तभी तो कल मैंने कहा भाई अभी तो मन बिगड़ा है, पहले इसको सुधारना है और फिर सुधरे रहना है। अभी तो हम कर रहे हैं, तन से मन से संकल्प से, अभी तो क्रिया है, कर्म है, कर्तित्व है, कर्तापन है, सब तो है। इसी से ही तो मुक्त होना है। हारना है, जीतना नहीं है, हारना है। कबीरा तू जोर से कहिए, हारा भला और जीतन दे संसार। हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको यहां से बात कह रहा हूं कि ये दो पंक्तियां तो हमने अपने जीवन में अनुभव करके देख ली, जीता जम के द्वार। वो जो संसार की जो विजय है, वो जो जीत है ना, वो धकेलती है और शक्ति से संसार में धकेलती है। इसलिए जो कहता है ना भाई सब करके फिर भजन करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि करना कभी समाप्त नहीं होगा भाई। करने को तो मरना भी समाप्त नहीं कर पाता, करते करते जीव मरता है, फिर जन्मता है, फिर करता है, फिर मरता है, फिर करता है, फिर मरता है। यही अनुभव तो महापुरुष करके कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इस करने से तो मरना भी मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए जो ये कहेगा कि भाई कभी ये सब करके भजन करेंगे ना, करके भजन नहीं होता, करते करते भजन में चलना जाना पड़ता है, करते करते भजन भाव में प्रवेश करना पड़ता है, फिर भजन की कृपा से जो छूटता है सो छूटता है, भजन की कृपा से छूटता है जो छूटता है।
मैं तो ये नहीं कहूंगा घर छूटता है या कुछ छोड़, जो जो भी छूटता है भजन की कृपा से प्रभु ने आपके लिए जो विधान किया है जिसमें आपका मेरा मंगल है सो हो जाता है, होई ही जो राम रचि राखा। पर बात एक है भाई कि ये जो हमारी आपकी आत्मा का परम विश्राम है ना, वो न ज्ञान है न कर्म है, वो तो प्रेम है। और प्रेम प्राप्त करने की एक ही विधि है, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब। 10 बार कहिए सेवक जी ने ये बात। जब कोई काव्य रचना करता है ना तो एक बात को पुनः कहना, इसको कविता में पुनरुक्ति दोष कहते हैं। मैंने कवि ये प्रयास करता है कि जो मैंने एक बार कहा वो मुझे फिर ना कहना पड़े, उससे पुनरुक्ति दोष आ जाता है कविता में। पर सेवक जी महाराज ने ये बात 10 बार कही है, 10 बार ये दोहराई ये पंक्ति, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो। एक सज्जन ने मुझसे पूछा, बोले जब जाए मंदिर में तो आप कहते हैं संसार मत मांगे, फिर क्या मांगे? मैंने कहा माने मांगना जरूरी है। बोले नहीं, हमको अभ्यास है ना, इस बात का अभ्यास हो गया है, तो मांगे बिना तो हम नहीं रह पाते, क्या मांगे? फिर इनका सत्संग मांगिए। प्रभु के खजाने में अगर सबसे अनमोल कुछ है ना तो वो प्रभु के संत हैं, भक्त हैं। मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न भक्ति योगम, सबसे अनमोल जो है ना वो प्रभु के प्यारे भक्त हैं। इसीलिए बड़े भाग पाइए सत्संगा, और बिनही प्रयास होई भव भंगा। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं ये पंक्ति पढ़कर, वो कह रहे बड़े भाग पाइए सत्संगा और अगर मिल जाए तो बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। फिर तो बस संत के पीछे पीछे चलना है। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो गुण गोविंद जी रागा स्याहा। ये मस्ती कौन लेके आएगा जीवन में? कल हम यही बात कर रहे थे ना भाई, कोई कहे मरने के बाद कुछ मिलेगा ना भाई, हमको हमको उस वो सौदा हमको करना ही नहीं है। मरने के बाद क्या होगा? अरे होगा जो होगा, हमको तो जो मिले आज मिले, अभी मिले, यहीं मिले, यहीं मिले। हो कोई ऐसा व्रत अनुष्ठान जो ये कहे कि इसका फल अभी मिलेगा? अगर होता तो ध्रुवदास जी क्यों कहते, सेवा अर तीरथ भ्रमण फलत है काल ही पार। अगर तत्काल फल की प्राप्ति कराने वाला कुछ है, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजा। अरे झूठे सच्चे आप और मैं संतों की वाणी गाते हैं, गाते गाते हृदय आनंद से भर जाता है कि नहीं? गाते गाते ही भर जाता है, तत्काल मिलता है वो आनंद, अभी है। भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। इसीलिए प्रभु से यही मांगिए, बार बार मांगिए, सतत मांगिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए। चरण धूर तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा, दर्शन को बलिहारा। साधु आता देख के और हंसी हमारी देह, माथे का ग्रह उतरा नैनन बड़ा स्नेह। दर्शन कीजे साधु का और साहेब आवे याद, सोई लेखे दिन घड़ी बाकी के दिन बाद। जिन जिन महापुरुषों को सत्संग की महिमा का अनुभव हुआ ना, वो तो ऐसी बात कहते हैं, सोई लेखे दिन घड़ी, उसी दिन को गिनना जिस दिन साधु मिला, जिस दिन सत्संग हुआ, बाकी के दिन बाद। अरे बाकी तो खाना पीना सोवना, और अगर थोड़ा सा आप विचार करोगे तो आपको लगेगा कि ठीक बात ही तो है भाई, सत्संग के अतिरिक्त बाकी ऐसा क्या है जो किसी और योनि में नहीं होता? पशु भी वही सब करता है, खाता है, पीता है, सोता है, फिर तो पशुवत जीवन है। इसीलिए कभी मैंने आपको कहा था, मनुष्य के जैसा दिखना कुछ और है, मनुष्य होना कुछ और है। मनुष्य में मनुष्यत्व हो,
और मनुष्य में मनुष्यत्व सत्पुरुष की कृपा से आता है, सत्पुरुष के संस्कार से आता है। तो अनेक अनेक उपायों से, अनेक अनेक शब्दों से, अनेक अनेक वाक्यों से ये सब संत, ये सयाने, ये हमारी चेतना को यहां खींच कर लाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई छोड़िए, सब साधन छोड़िए, कोई कुछ देने वाला नहीं है, सब अल्प फल की, थोड़े फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये तो नहीं कहना चाहिए कि कुछ नहीं मिलता है, मिलता है, पर वो अल्प फल है, अल्प फल। आप पूछना किसी वैद्य से, आप पूछना किसी वैद्य से कच्चा फल खाने से क्या होता है। देखो कच्चे फल में स्वाद भी नहीं है, और कभी कभी तो कच्चा फल खाने से उदर में विकार हो जाता है, कच्चा फल खाने से विकार उत्पन्न होता है। तो संसार के जितने सुख हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने सुख हैं, सब कच्चे फल हैं। इनका भोग करने से उल्टे होता क्या है, विकार उत्पन्न होता है। पका फल तो प्रेम है, जो पका फल है ना वो तो भगवत प्रेम है। तो अनेक अनेक बातों से यही कहने का प्रयास किया जा रहा है, भाई किसी साधन में अपना मन, अपनी बुद्धि न लगाइए, श्रद्धा को, श्रद्धा का अपव्यय मत करिए। ये जो आगे सेवक जी कहेंगे ना, अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोए, प्रभु के अतिरिक्त कहीं श्रद्धा को लगाना, भजन भाव के अतिरिक्त, संत भगवंत की सेवा के अतिरिक्त कहीं श्रद्धा का निवेश करना, ये श्रद्धा का अपव्यय करना है। तो कहते राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, और फिर कहते रसिक अनन्य सजाति भज, भली भली सब होए। पहले तो कहा भाई भक्तों का भजन करना है, फिर भक्तों में भी किसका भजन करना है, किसका संग करना है। कल यही पर हमने चर्चा को विराम दिया था ना, ऐसा ही सुनना है, उसी का संग करना है जिससे अपने भाव की पुष्टि हो, अपने भाव का पोषण हो। इसमें व्यास जी बड़ा प्रखर चिंतन देते हैं, बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं। वो कहते हैं व्यास एक ही बात गही, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। अब देखो वही व्यास जी थोड़ा पहले क्या कहकर आए हैं, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभी गुरुदेव है व्यास यह प्रतीत। थोड़ी देर पहले ये बात कहकर आए हैं, पर आगे बड़ा परिष्कृत चिंतन देते हैं। संतों ने बिल्कुल सीधा स्पष्ट मार्ग दिया है, और फिर यह भी कहा है सूधो चले आपने धर्म। अब उसके बाद भी कोई न चले तो ये उसकी कुटिलाई है। मार्ग तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट है, कह रहे व्यास एक ही बात गई, हमने एक ही बात पकड़ ली है, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। भाई जिनके संग से अपनी भजन भावना में वृद्धि हो। सबसे पहले तो सत्संग किसको कहते हैं, बताओ, बड़ी सुंदर बात ध्रुवदास जी ने कही है, किसको कहना चाहिए सत्संग। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार, बोले वो सत्संग है जो घर और संसार के व्यवहार की विस्मृति करा दे। संग सोई स्पष्ट की है, एक एक बात स्पष्ट की है, इसलिए कल परसों थोड़ी झाड़ फूक करनी पड़ी मुझे आपकी। भाई सत्संग में तो इसलिए जाना है कि ग्रह व्यवहार की विस्मृति हो जाए। आप ग्रह व्यवहार की बात लेकर हमारे पास में आते हो। अच्छा, फिर मैंने यह भी देखा कि ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भांति भांति के आशीर्वाद होते हैं, उनको यह पता है किस समय कौन सा आशीर्वाद देना है। हमने ये विद्या कभी सीखी नहीं, हमको ऐसा कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता।
भाई आपको कोई आशीर्वाद दे उसके लिए आवश्यक है ना पहले वो आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हो, तभी तो आप आपके लिए कुछ कहेगा। हमारा तो मन ऐसा हो गया भाई, हमको यहां बाहर कुछ उत्साहित भी नहीं करता और कुछ निराश भी नहीं करता। मैं ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही है, हमको कुछ उत्साहित भी नहीं करता, क्योंकि एक बात समझ में आ गई भाई, ये संसार पता नहीं कितनी बार बना कितनी बार बिगड़ा, बन रहा है बिगड़ रहा है और बनता और बिगड़ता रहेगा ही, ये तो होता आया और होता रहेगा, कौन बड़ी बात हो रही है इसमें, वो तो मोह का अंधकार है। गीता में भगवान कहते हैं हमारी माया कैसी है, बोले जो है नहीं उसको दिखा देती है और जो है उसको छिपा देती है, यही हमारी माया है। नासते विद्यते भावो, गीता में भगवान कह रहे हैं यही मेरी माया है, जो है नहीं जो मिथ्या है उसी की प्रतीति कराती है और जो है, भगवान कह रहे मैं हूं और मेरी विस्मृति करा देती है, मेरा अदर्शन करा देती है, यही हमारी माया है। ये माया श्री कृष्ण की, मोह सब संसार, वो तो मोह के अंधकार में पड़े व्यक्ति को ऐसा लगता है भाई कुछ बन गया कुछ बिगड़ गया, न कुछ बना न कुछ बिगड़ा, यहां न कुछ बना न कुछ बिगड़ा। ज्ञान की दृष्टि से देखो, पूर्व भी मैंने आपको कहा था संसार को ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, संसार को ज्ञान की दृष्टि से देखने पर वैराग्य उत्पन्न होता है। कहां से आएगा वैराग्य, कपड़ा बदल लो आ जाता है वैराग्य, रोज बदलो नए नए रंग के पहन के देखो, सोचो कहीं तो निशाना लगेगा, कैसे आएगा कैसे वैराग्य, कहां से आता है वैराग्य, का मूल क्या है, स्रोत क्या है वैराग्य का। बड़ा पुत्र है ज्ञान भक्ति का, छोटा पुत्र है वैराग्य। संसार को ज्ञान की दृष्टि से देखने पर वैराग्य उद्भूत होता है, वैराग्य प्रकट होता है जब संसार को इस तत्व की दृष्टि से देखा जाता है, कुछ नहीं है भाई भ्रम है। उस दिन मुझसे जब यहां किसी ने पूछा ना कि आप बात तो बड़ी ऊंची करते हैं, और मैंने कहा ऊंचा नीचा ये तो आप देखो, हमारे लिए कुछ ऊंचा नहीं कुछ नीचा नहीं, सच्ची बात करते हैं, ऊंची नीची क्या होती है। संसार तो संत को भी इसी दृष्टि से देखता है, बड़ा संत है छोटा संत है, संत भी कभी छोटा बड़ा होता है, तो संसार की दृष्टि ही ऐसी है ना, भेद दृष्टि है। मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति जो है उसको लगता है कुछ बन गया कुछ बिगड़ गया, मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है, अब हो सकता है किसी को खराब लगे, पर अब लगे तो लगे, अब बालक होता है बालक कुछ बोलना शुरू करता है उसको लगता है कि भाई इससे सुंदर तो कोई घटना घट ही नहीं सकती जीवन में, अरे क्या हुआ बालक हुआ है तो बोलेगा भी, कल सुनो क्या क्या बोलेगा, तुमको ही क्या क्या बोलेगा, देखो कल क्या होता है, कोई बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे पहले मैं देखता था किसी के घर जाओ बालक कुछ बोलने लगे नमस्ते बोलो नमस्ते करके दिखाओ, अरे कोई बहुत बड़ी बात है क्या है ये क्या है, न बालक है न कोई उपलब्धि है। अंत में संत कह रहे हैं मोह निशा सब सोवनी हारा, मोह है, मोह के अंधकार में पड़ा हुआ जीव ये सब करता है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए संसार को क्या है, पंचभूत है, कभी पानी पे मिट्टी है कभी मिट्टी पे पानी है, कभी पृथ्वी प्रकट हो जाती है कभी जल प्रकट हो जाता है, ऐसा ही तो है संसार का खेल, यही तो है, कभी मिट्टी पे पानी है कभी पानी पे मिट्टी है कभी मिट्टी में मिट्टी है कभी पानी में पानी, यही तो सब है, क्या है ये। इस दृष्टि से गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान की दृष्टि से जब देखोगे संसार को तो लगेगा भाई कुछ नहीं है, सार की बात तो कुछ और है, वो तो कहीं और है। ये जो अहमता ममता है इसको लगाने का स्थान ये नहीं है, ममता राम सो समता सब संसार। पर मैं फिर कह रहा हूं काम की बात है, इसको पास में रखना, किसी भी और विधि से वैराग नहीं आएगा। कभी कभी देखता हूं मैं ऐसे नशा सा चढ़ जाता है वैराग्य का, वो जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतरता भी है। देखा देखी निबाह नहीं होता, किसी भी चीज का नहीं होता। मैंने ही आपसे निवेदन किया था कि भक्ति प्रसन्न वही रहेगी
जहां ज्ञान और वैराग्य हष्ट पुष्ट रहेंगे। पर कैसा ज्ञान और कैसा वैराग्य, ये बात समझनी आवश्यक है। वास्तविक वैराग्य, अच्छा जो जो सच में वैरागी होता है ना, फिर उसे कुछ छोड़ना भी नहीं है, उसे कुछ पकड़ना भी नहीं। किसको छोड़ेगा, किसको पकड़ेगा? जो वास्तविक वैरागी है उसका जीवन तो बड़ा सहज होता है, बड़ा सुंदर होता है, और मैं कहूंगा बड़ा सरस होता है। मैं आपको एक बात कहूं, जो जो वास्तविक सन्यासी है ना, उसके जीवन में सन्यास प्रतिपल उत्सव का कारण होता है। जैसे जब फल पक जाता है तो बड़ी सहजता से गिर पड़ता है नीचे, ऐसे जब एक परिपक्वता आती है भीतर से, आपको समझ आ गया सब खेल क्या है, अब ना लड़ना है ना झगड़ना है ना कुछ कहना है ना सुनना है, जो हो रहा है वो बस होने देना है उसको। ये जो हो रहा है बस इसको होने देना है। पर लेकिन ये परिपक्वता आती है, और फिर ये परिपक्वता पुष्ट होती है केवल संत के, किसी जागृत महापुरुष के, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के, किसी समर्थ महापुरुष के निकट बने रहने में। जैसे धूप चाहिए ना पौधे को फलने फूलने के लिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, और पानी से भी अधिक सूर्य का प्रकाश चाहिए। कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं ना कि जिनको कुछ दिन पानी देने की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन धूप चाहिए उनको, उनको आप भीतर नहीं रख सकते, छुपा कर नहीं रख सकते, धूप चाहिए। ऐसे ही कोई भी साधन, कम हो अधिक हो, माला अधिक हो रही है कम हो रही है, सेवा हो रही है कम हो रही है, नहीं हो रही है, पर वो जो संत के सानिध्य रूपी धूप है ना, वो तो चाहिए इस पौधे को फलने फूलने के लिए। संत रहे जीवन में, सदा रहे, आस पास रहे, हम निकट रहे, गुरु चरणों से लगे रहना, नहीं तो चाकरी भी होती रहेगी और चाकरी में चूक भी होती रहेगी, और चाकरी में चूक हुई तो चाकरी का सुख नहीं मिलेगा। हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, ये सबका अनुभव हो सकता है, श्री जी की सेवा करते हैं, लेकिन क्या हमको वो आनंद है जो ललिता विशाखा आदि सहचरियों को है प्रिया जी की सेवा में? सेवा तो वही है, हमारे महाप्रभु जी ने उसी निकुंज की रीति तो प्रकट की है। सेवा तो वही है, प्रिया प्रीतम भी वही है, उनका नाम भी वही है, सेवा की विधि भी वही है, वही मंगला और श्रृंगार है, और हमको वो आनंद क्यों नहीं है? चाकरी में चूक है। तभी संत कह रहे हैं, साहेब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मां। तो स्पष्ट कर रहे हैं, पहले तो सत्संग क्या है, संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार, कम से कम उतनी देर के लिए तो संसार की विस्मृति हो। संसार का स्मरण तो चैन नहीं लेने देता है भाई, तो नींद में नहीं लेने देता है, जगते कैसे लेने देगा? संसार की विस्मृति होगी तभी तो संकल्प विकल्प से मुक्त होगा मन। संकल्प विकल्प आत्मकम अंतःकरणम इति मनः, ये मन की शास्त्रीय परिभाषा है। कैसे मन मुक्त हो संकल्प विकल्प से? संसार के संकल्प विकल्प से मुक्त होगा तभी तो उसको थोड़ा विश्राम मिलेगा, थोड़ा चैन मिलेगा। तभी तो उस दिन मैंने आपसे कहा था कि गुरु के पास प्रश्न रहता ही नहीं, प्रश्न करने वाला मन ही नहीं रहता गुरु के पास, तो तब तो स्थिति कुछ और होती है। आप कभी हो सके, प्रभु कृपा करें और आपको जीवन में कभी इस बात का अनुभव हो कि किसी जागृत महापुरुष के पास अगर आप गए तो हो सकता है आप सोच कर जाओ ये पूछेंगे वो पूछेंगे, पर वहां जाकर आप कुछ नहीं पूछ पाओगे क्योंकि उसके पास में मन नहीं रहता, मन रहता ही नहीं वहां पर, वह मन कुछ और हो जाए, आप कुछ और हो जाते हैं। इसीलिए सर्वाधिक आनंद का क्षण कौन सा है जीवन में, जिनको मिला है वो बता रहे हैं, कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया, नानक को
प्रभ पै कृपाला सतगुरु पूरा पाया सतगुरु पूरा पाया। देखो सब संतों की वाणी मैं पढ़ता हूं और वहीं से कुछ मोती चुनकर लाता हूं आपके लिए। यहां मैं देखता हूं मूल सभी का एक ही है। जैसे होता है ना, वृक्ष की जो जड़ होती है वो भूमि के भीतर होती है, भूगर्भ में होती है, और वो वृक्ष कभी कभी अपनी अपनी शाखाएं दूर दूर तक प्रसारित कर देता है। ऐसे ऐसे वट वृक्ष हैं जिनकी छाया में एक एक लाख लोग बैठ सकते हैं। ऐसे ऐसे वट वृक्ष हैं। मूल कहां है? मूल तो कुछ एक है ना। ऐसे ही ऐसे सभी सयाने जो हैं उनका मूल वही है, सत्य चित्त आनंद, वहीं से वो उद्भूत हो रहे हैं। ये शब्द वहीं से आ रहे हैं और वहीं लेकर भी जाते हैं, वहीं लेकर जाते हैं। तो पहले तो कहा सत्संग करना है, फिर कहा किसका करना है। संग ऐसा हो जो ग्रह व्यवहार की विस्मृति कराने वाला हो, और फिर किसका संग हो जो अपने भाव का पोषण करने वाला है। देखो ज्ञान मार्गी जो है उनका मार्ग कुछ और है, उनका मार्ग कुछ और है, उनकी विधि कुछ और है। हमको बड़ी सावधानी पूर्वक उसी मार्ग का अनुगमन अनुसरण करना है जो हमको हमारे आचार्य ने दिया है, बिना कोई और अन्यथा विचार किए। मैं फिर कह रहा हूं भाई, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि हम किसी को भी छोटा बड़ा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। पर हमारा मार्ग वो है जो हमको हमारे गुरु ने दिखाया है। हमारी सेवा, हमारी भजन भावना कैसी हो? जो साहिब को ना रुचे वो हमसे नहीं हो। संतों की बोलन बड़ी बड़ी अद्भुत है। भोली सखी कहती है, जय विधि तोहे अति प्यारी लागूं, बस ऐसी मोहे कर लीजिए। अब मुझे क्या पता, मैं आपसे कह बैठूं कि मैं ऐसा होना चाहती हूं या वैसा होना चाहती हूं, मैं कुछ नहीं जानती। जेही विधि तो है अति प्यारी लागो, जेही विधि तो है अति प्यारी लागो, ऐसी मोहे कर लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे किशोरी। जो साहेब को ना रुचे वो हमसे नहीं हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमको आपको जो अच्छा लगे वो हम करें। क्या मांग रहे हैं? आपको जो अच्छा नहीं लगता ना वो हमसे कभी ना हो। जो आपको नहीं रुचता, माने जो आपसे दूर ले जाने वाला है, जो आपसे विमुख कराने वाला है, ऐसा आचरण प्रभु मुझसे ना हो, क्योंकि मुझे जन्म जन्म से ऐसा ही आचरण करने का अभ्यास है। अगर कभी डरो ना तो बस स्वयं से डरना चाहिए। एक बड़ी अच्छी पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी, वो मैंने रख ली अपने पास। उसमें लिखा था, मन वो वन है, कहा कि मन वो वन है जहां पर असल दैत्य निवास करते हैं। जो असली असुर है ना वो कहां रहते हैं? वो तो मन रूपी वन में रहते हैं। तो डरिए तो फिर अपनी अपनी उस भावना से डरना चाहिए जो जो सतपथ से दूर ले जाने वाली है। ऐसी कोई भावना अगर हमारे भीतर है ना, ऐसी कोई वृत्ति अगर भीतर है, ऐसा कोई संकल्प हमारे भीतर है, उससे डरना चाहिए। जो साहेब को ना रुचे वो हमसे नहीं हो, तन मन ले सेवा करूं
गुरु पद रज नित धो। जो साहेब को ना रुचे वो हमसे नहीं हुए। तो स्पष्ट किया है कि जाकी है उपासना, ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। ये चयन हमको बड़ा सावधानी पूर्वक करना है। इसीलिए कभी मैंने कहा था दिन भर टीवी खोलकर बैठे रहते हो, ये भी सुन लिया वो भी सुन लिया, पूछो क्या कर रहे हैं, बोले सुबह से सत्संग सुन रहे हैं, सुबह से ही सुन रहे हैं। ऐसे नहीं सुनना है भाई। कभी कभी ऐसा करने से लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है और हो ही जाती है। बड़ी कोमल है श्रद्धा, वो जितनी अमूल्य है उतनी ही सुकोमल भी है, उसको उतनी ही सावधानी से संभाल कर सहेज कर रखना पड़ता है। और वैसे भी मैं तो एक और बात भी विचार करता हूं, मुझे लगता है थोड़ा सा सुनना नित्य प्रति पर्याप्त है। अगर आपको चिंतन मनन और तदनुकूल आचरण करना है तो फिर थोड़ा सा सुनना नित्य प्रति पर्याप्त है। श्रवण कथन सुमिरन परतीति बीत काल सब जाइयो, ये तीनों ही आवश्यक हैं। सुनना फिर सुनाना, वो सुनने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सुनाना। पर पड़ोसी को नहीं सुनाना है, खुद को ही सुनाना है, अपने आप को ही सुनाना है, किसी को नहीं सुनाना है। कल इसीलिए मैंने आपसे कहा था भाई भजन करोगे तो भजन का प्रभाव प्रकट होगा, उस समय अपने आप को बचा कर रखना, उस समय बचा कर रखना, संसार तो फूलों के हार और आरती के थाल लेकर प्रस्तुत हो जाएगा। देखना नहीं, उस ओर नहीं देखना, ये बहुत बड़ा आकर्षण है, बांध लेने वाला है और प्रभु से दूर करने वाला है। इसीलिए कबीर ने कहा जो साहेब को ना रुचे वो हमसे नहीं हुए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको एक बात कहूं, किसी भी स्थिति में, और किसी भी स्थिति में सब कुछ आता है, किसी भी स्थिति में जीव जीव ही है, पूजा का अधिकारी नहीं है। पूजा के अधिकारी केवल भगवान है, प्रभु है। भक्ति भगवान की हो सकती है, होनी चाहिए। हमने तो सब संतों का जीवन चरित्र पढ़कर यही समझा, दासवत, प्रभु के सेवक बनकर इस संसार में रहे, और मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, और इस सचराचर को प्रभु का रूप मानकर प्राणी मात्र के प्रति दया और सद्भाव रखते हुए अवसर उपस्थित होने पर सब की सेवा करते हुए संतों ने भजन किया है। उनके मन में अगर कोई मान रहा है तो केवल एक बात कर रहा है, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सबकी सेवा करते हुए, सेवा करनी है भाई, करानी नहीं है। कल जैसे हम प्रणाम की बात कर रहे थे ना, प्रणाम करना है सबको, प्रणाम करवाना नहीं किसी से। अपनी कमाई हुई संपत्ति कम होती है किसी का प्रणाम लेने से। और मैंने तो यही थोड़ा देखा कि जो सुख मिलता है वो किसी के चरणों पर, किसी संत के चरणों पर माथा रखने से मिलता है। कोई आपको प्रणाम करे उसमें कोई सुख नहीं है भाई, कोई सुख नहीं है उसमें, केवल अहंकार बढ़ता है। और मैंने तो यह भी देखा कि देखो कितना मन कुटिल है, कितना मन कुटिल है कि एक व्यक्ति 10 दिन आपको प्रणाम करे और 11वें दिन उसी ने आपको प्रणाम नहीं किया तो आपको अटपटा लगेगा। रोज तो प्रणाम करता था, आज क्यों नहीं किया? और वो 11वें दिन उसका प्रणाम ना करना उसके 10 दिन के किए प्रणाम की विस्मृति करा देगा। अब बताओ प्रणाम की आदत हुई कि नहीं, और कैसे पड़ती है प्रणाम की आदत, और कैसे पड़ेगी सम्मान की आदत? इससे बचकर रहना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये तो भजन भावना में बड़ा विक्षेप है। लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह,
और हमको तो एक ही बात समझ में आई, दूरम उपाय, दूर रहिए भाई इससे, संसार तो लपकेगा आपकी तरफ। कोई व्यक्ति कभी मुझे कह दे ना कि हमको तो आप में ही प्रभु का दर्शन होता है, मैं संकल्प कर लेता हूं भाई इस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिलना, ये स्वयं तो बिगड़ा है ही, इसकी दृष्टि तो बिगड़ी है, ये हमारा भाव भी बिगाड़ेगा, हमको इससे दोबारा नहीं मिलना। हम जो हैं हमको वही मानिए, हम जो कह रहे हैं वो सुनिए, और बनती हो तो अपनी कोई बात बनाइए और चलिए, हमारे पास रुक मत जाइए। संत का काम द्वार बनना होता है, मैं सदा कहता हूं दीवार बनना नहीं होता, वो आपको रोक ना ले, वो आपको बांध ना ले स्वयं से। गुरु की बलिहारी है पर क्यों है, जिन गोविंद दियो मिलाए।